हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ए एस जियोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में फिजिकल जियोग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसमें फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स जियो मार्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग डिस कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं साइकिल ऑफ इरोजन इसी साइकिल ऑफ इरोजन को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट और हम लोग देखेंगे पेंक के मॉडल को तो फटाफट शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कम्प्लीट लेटस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज़ आर अदर कोर्सेज ऑफ़ रिकोगनीशन आई ई एस जिसमें आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ और एडवास जोग्राफी कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सेंड एन ई मेल ऑन रिकोगेशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम और यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू रिकोगशन आई एस डॉट इन सिलेबस वाइज ऑलरेडी वी हैव सीन दैट वी हैव टू कवर द कंसेप्ट ऑफ जियो मार्फोलॉजिकल साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट डेनोरेशन क्रोनोलॉजी और चैनल मॉर्फोलॉजी जिसमें से हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के बारे में एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिनोडेशन क्रोनोलॉजी और फिर चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में इरोजन सरफेस और स्लोप डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था डेविस के मॉडल को और इस डेविस के मॉडल से पहले हम लोगों ने तीन और मॉडल देखे हुए थे एक मॉडल था जो डार्विन की थ्योरी थी दिस वाज डारविन्स डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी दूसरी जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी पॉवेल का बेस मॉडल दिस इज पॉवेल्स बेस मॉडल और हम लोगों ने एक और थ्योरी देखी हुई थी हटन्स यूनिफॉर्मिटेरियनिज़्म हटन्स यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, क्लियर सो वी हैव सीन दिस नाउ वी आर गोइंग ओवर एंड देर आर सब प्रॉब्लम्स इन द डेविशियन थ्योरी एंड दैट इज वाई पेंक केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड ही प्रोपाउंडेड अ न्यू थ्योरी तो जो भी लकुनाज जो भी प्रॉब्लम्स डेविस की थ्योरी में थी वो सारी प्रॉब्लम को पेंक ने भी दूर किया और कोशिश की कि, कि किस तरीके से हम बेटर एंड बेटर तरीके से इसको थ्योरी को हम दे सकते हैं पेंक की थ्योरी के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे जर्मन ज्योग्राफर क्योंकि देखिए कई बार आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरीके से कि अमेरिकन जोग्राफिक जोग्राफ़र का जियोमार्फोलॉजी में क्या डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करिए या फिर जर्मन जोग्राफर का डेवलपमेंट क्या है डिस्कस करिए तो इस वजह से आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आखिर में जो, जो जोग्राफर्स हैं वो बेसिकली हैं कहाँ से तो ध्यान में ये रखना है कि ये जर्मन जोग्राफर हैं इनकी जो थ्यूरी थी ये थ्यूरी भी जर्मन में ही दी गई थी तो दिस वाज अगेन इन जर्मन लैंग्वेज और इस जर्मन लैंग्वेज का बाद में फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था और इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के कारण से ही ये थ्योरी काफ़ी मिसअंडरस्टूड हुई थी जिसके कारण से इसमें कई सारे प्रॉब्लम सामने निकल करके आए थे और इसके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इनकी क्रिटिसिज्म भी हुई थी तो फटाफट इनकी थ्योरी को जरा देख लेते हैं तो पेंक जो थे वो कंटेम्प्ररी टू डेविस थे और इनमें कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन इन्होंने किया था जैसे इनकी जो कुछ प्रॉब्लम थी जैसे एक प्रॉब्लम इनकी थी कि इन्होंने स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज के बारे में बात तो किया मतलब कि टाइम के बारे में बात तो किया लेकिन इन्होंने स्ट्रक्चर को ओवर एम्फोसाइज किया था प्रोसेस को आ, मतलब देखा था बट एक्सप्लेन नहीं किया था और टाइम को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह था कि उन्होंने रिवर के फ्लूवियल एक्शन को केवल और केवल स्टडी किया था और इस स्टडी को इन्होंने फिर जनरलाइज़ कर दिया था जो कि सिस्टम सही नहीं था क्योंकि इन्होंने अमेरिका में रहते हुए यूएस में रहते हुए स्टडी किया हुआ था और ये एक यू कैन से दिस इज़ सब ह्यूमिड रीजन एंड जो यहाँ पर सब ह्यूमिड रीजन की प्रॉपर्टीज़ होती है और ह्यूमिड रीजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है इस तरीके से जनरलाइज करने पर सिस्टम सही नहीं होगा तो इस वजह से भी अगेन प्रॉब्लम है थर्ड थिंग इन्होंने कहा था कि अपलिफ्टमेंट पहले होगा और फिर अपलिफ्टमेंट के बाद तब जाकर के इरोजन स्टार्ट हो सकती है विच इज अगेन वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग तो यहां पर हम लोगों ने इन सारे लकुनास को इन सारी प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया था अपने लास्ट क्लास में इन सारे लकुनास एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पेंक ने अपनी थ्योरी दी थी जो कि जर्मन में थी ठीक है एक डिफरेंस है दोनों लोगों में पेंक और जर्म डेविस में कि डेविस जो है वो एक जियोमार्फोलॉजिस्ट थे यानी कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो इनका मेन मोटिव था वो ये था कि हम किस तरीके से लैंडफॉर्म में जो चेंजेस आ रही है उसको स्टडी करें और कैसे इसे हमें डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस इन्होंने अर्थ के इंटीरियर फोर्स अर्थ के एक्सटीरियर फोर्स पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया था जितना देना चाहिए था क्योंकि ये एक जियोमार्फोलॉजिस्ट थे और ये जियोमार्फोलॉजी यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको फोकस कर रहे थे लेकिन वहीं पेंक जो है वो एक जियोलॉजिस्ट थे जियोलॉजिस्ट का मतलब ये एक साइंस का सब्जेक्ट हो गया जहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ दोनों को ही दोनों को ही स्टडी किया जाता है तो इस वजह से पेंक का जो मॉडल था वो जियोलॉजिस्ट होने की वजह से इनका ज़्यादा जो फोकस था वो स्ट्रक्चर कंपोजिशन और प्रोसेस पे था जो कि लैंडफॉर्म को क्रिएट करते थे तो ये तीनों के तीनों जो इनके मोटिव हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कहीं ना कहीं इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज़ वेल एज एक्सटीरियर ऑफ़ द अर्थ दोनों से ही रिलेटेड और दोनों की ही स्टडी को इम्पॉर्टेंट करते हैं इनका जो मेन गोल था पैंक का जो मेन गोल था वो था मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को हमें स्टडी करना है और इस स्टडी के बेसिस पे जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है जिस भी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है चाहे वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से हो रहा हो चाहे वो इंडोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से हो रहा हो उसके स्टडी उसको हमें स्टडी करना होगा तो जो पेंक का मॉडल था बेसिकली वो किसी भी एक रीजन में कितने तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है या फिर उस इलाके में जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उन सारे प्रोसेस को बेसिकली स्टडी करना था और उस स्टडी के बेसिस पे जो भी करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंडफॉर्म हो सकती है उसको बेसिकली इन्हें स्टडी करना था डिस्क्राइब करना था तो कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी थी वो डेविस के थ्योरी से तो काफ़ी प्रैक्टिकल थ्योरी थी क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच को लिया था इन्होंने जा करके मतलब ये आर्म्ड चेयर ना होकर के ये एक फील्ड स्टडी किए थे और फील्ड स्टडी के बेसिस पे इन्होंने जो रिजल्ट भी निकाला था वो यू कैन से दिस इज एक्सेप्टेबल रिजल्ट आगे देखते हैं तो लैंडफॉर्म फॉर्म रिफ्लेक्टेड द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेज यानी कि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल बाई द एक्जोजेनेटिक प्रोसेस मतलब क्या है इसका सपोज एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं जैसे मान लेते हैं कोई एक लैंडफॉर्म है अब ये लैंडफॉर्म मान लेते हैं कि कोई भी एक लैंडफॉर्म ले लीजिए जस्ट लाइक वी शेप वैली ही ले लेते हैं एक काम करते हैं दो ले लेते हैं एक वी शेप वैली ले लेते हैं जो कि रिवर के कारण से बन रही है और एक हम लोग ले लेते ले हैं बॉक्स चंड ठीक है बॉक्स चंड जो कि ग्लेशियर के कारण से बन रही है इंटेंशनली आई एम टेकिंग दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी सो दैट कि आपको दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ जाए और ये दोनों जैसे ग्लेशियर जो होते हैं जनरली स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स के द्वारा एक uh, Um, um, मतलब प्रॉब्लमेटिक uh, कह लीजिए कि या ज़्यादा क्लियर नहीं होता है ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होते हैं इस ग्लेशियर लैंडफॉर्म में दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग ग्लेशियर एग्जाम्पल ओके सो ये जो वी शेप वैली बनी है ये क्यों बनी है आपको पता है कि ये रिवर के कारण से बनती है और यहाँ पर इरोजन प्रोसेस होती है इरोजन प्रोसेस के लिए जो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट है बेसिकली वो रिवर है तो ये रिवर के कारण से हो रही है लेकिन ये स्टार्ट क्यों हुआ था स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कि रिवर के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है नॉर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की में रिवर की काइनेटिक एनर्जी आई कहां से है रिवर की काइनेटिक एनर्जी आई है ये बेसिकली अर्थ के इंडोजेनेटिक फोर्सेज यानी कि स्लोप डेवलपमेंट के कारण से तो यहां पर स्लोप डेवलपमेंट हो गई है स्लोप डेवलपमेंट के कारण से रिवर को एक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया और इस पोटेंशियल एनर्जी के बाद वहाँ से जैसे ही ये नीचे उतरेगा हाइट से नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट इज़ हाउ यहाँ पर रिवर में वी शेप वैली का डेवलपमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा इंडोजेनेटिक फोर्स डेवलप होगा यानी कि जितना ज़्यादा ये स्लोप डेवलपमेंट डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा जितना काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा ये रिवर में वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी और उतना ही ज़्यादा ये इरोज़न करेगा जितना ज़्यादा इरोज़न करेगा उतना ही अच्छे से ये V-शेप वैली बनेगा तो एक आपको लिंक समझ में आ गई कि हाउ दिस लैंडफॉर्म इज़ लिंक्ड विद द इंडोजेनेटिक एज वेल एज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेज सो so, कैसे आप इसे एक अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे आप ये कहेंगे जितना ज़्यादा इंडोजेनेटिक फोर्स होगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पर शेप वैली डेवलपमेंट होगी यानी कि इंडोजेनेटिक और एक्जोजेनेटिक फोर्सेस का अगर हम एक रेशियो निकाल लेते हैं देन वी कैन से कि इसकी जो ओवरऑल इस इंटेंसिटी की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इस वैल्यू का हम लोग यूज़ कर सकेंगे फॉर द डेवलपमेंट uh, या फिर हम इस लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए सेम वैसे ही ग्लेशियर के बारे में भी बताइए क्या होगा टेक अ पॉज हियर एंड मेक योर ओन लिंक खुद की एक लिंक बनाइए देन मैच विद मी देखिए ग्लेशियर के बारे में आप यहां पर ग्लेशियर क्यों बना है ग्लेशियर अगेन बना हुआ है स्टार्ट होती है ये लैंडस्लाइड या फिर यहां पर ग्लेशियर के टर्म में बोलते हैं इसे एवलांच एवलांज के कारण से बनेगा इस एवलांज के कारण से क्या होगी कि अब इसके पास ग्लेशियल वॉल्यूम आ गया है दिस इज ग्लेशियल वॉल्यूम जिसे हम लोग बोलते हैं मोरेन्स अब ये मोरेन्स आ गई हैं इस मोरेन के पास बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रिवर के पास में आ गई थी बिकॉज ऑफ द स्लोप सेम वैसे ही एवलांज के कारण से हाई वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर आ गया हाई वॉल्यूम ऑफ मोरेन आ गया और अल्टीमेटली ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एक पूरा का पूरा एरिया जो होती है वो अब नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर एक वैली क्रिएट हो जाएगी और यही वैली बेसिकली बर्कश कहलाती है यानी कि जितना ज़्यादा अच्छे से इंडोजेनेटिक फोर्स डेवलप होगा एवलान जितने तरीके से जितने अच्छे तरीके से आएगी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर डेवलप होगा जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा मोरेंस डेवलप होंगी जितना मोरेन डेवलप होंगी स्लोप डेवलपमेंट इसका होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बाद कैनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाउ दिस बर्कशंड विल डेवलप क्लियर सारी लिंक आपको समझ में आ गई है नाउ आगे देखते हैं तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो पेंक ने फोर्सेस लिए थे वो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों को ही फोकस करते हुए लिया था दिस इज़ द फर्स्ट रेफरेंस सेकेंड कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एट द सेम पॉइंट दोनों चीज़ें ली हैं मतलब कि चाहे वो अपलिफ्टमेंट हो रहा हो चाहे वो इरोज़न हो रहा हो चाहे वो डिपोजिशन हो रहा हो इन्होंने हर एक प्रोसेस को हर एक चीज़ को एक साथ लिया हुआ है सारे पॉइंट को एक साथ लिया हुआ है तीसरी चीज जो भी यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं इन सारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज को इन्होंने एक साथ में ही कंसीडर किया हुआ है तो दिस इज अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच तो कहीं ना कहीं डेविसियन की थ्योरी में जो जो प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम को पेंक ने स्टडी किया इस स्टडी करने के बेसिस पे इन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड की जैसे डेविस ने अपनी थ्योरी प्रोपाउंड की थी लैंडफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज या फिर टाइम सेम वैसे ही सॉरी दिस इज टाइम होगा ओके okay. सेम वैसे ही पेंक ने भी कहा कि देखिए द स्ट्रक्चर विल बी ऑब्वियसली देयर विल बी स्ट्रक्चर क्योंकि लैंडफॉर्म में स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा प्रोसेस प्रोसेस भी होगा लेकिन यहां पर इनका प्रोसेस का जो ज्यादा फोकस था वो एक्सोजेनेटिक की ओर था लेकिन यहां पर एंडोजेनेटिक प्लस एक्सोजेनेटिक दोनों ही यहां पर प्राइम फोकस है और यहां पर स्टेज या टाइम की जगह पर इन्होंने फोकस किया फेज के बारे में तो ये हो गई फेज मतलब एट द सेम टाइम ऑल द काइंड ऑफ फोर्सेज आर वर्किंग लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बेसिकली क्या होगा वो पेंक ने डिसाइड किया था तो इस तरीके से यू कैन मेक ग्राफ या मतलब कि ये इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना करके भी दिखा सकते हैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिविशियन थ्योरी और पेंक की थ्योरी में डिफरेंस बताने को तो द so थिंग यहां पर करते हैं हैं और जरा आगे बढ़ते तो कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स है और रेट ऑफ ऑफ लिफ्टमेंट डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज का मतलब यही है कि आपका जो भी फोर्स लग रहा है चाहे वो एपीरोजेनिक फोर्स हो ओरोजेनिक फोर्स हो मतलब कि यहां पर कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स लग रही है एंड द इरोजनल प्रोसेस जो कि इरोजनल प्रोसेस के कारण से हो रही है जिसको कि अभी हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल के थ्रू देखा हुआ है पेंक इज सपोज टू हैव डिलिबरेटली अवॉइडेड द यूज ऑफ स्टेज यानी कि जो ये टाइम का कंसेप्ट था इन्होंने अपने मॉडल में यूज नहीं किया था क्योंकि डब्ल्यू एम डेविस ने जो अपनी मॉडल में टाइम का यूज़ किया था और उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और साथ ही साथ में उस एक्सप्लेन करने के उसको इग्नोर करने के चक्कर में इन्होंने कई सारे और भी गड़बड़ियाँ करना शुरू कर दिया था जिसके कारण से पेंक ने डेलिबरेटली इसे यूज़ नहीं किया था इसी चीज़ को लेते हुए एक और जोग्राफर हैं ओ डी वॉन एल्गिन इन्होंने कहा कि पेंक फाउंड एस्केप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल चेंज मार्क्ड बाय द स्टेज यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज यानी कि जो ये इन्होंने टाइम या फिर इन्होंने जो एक तरीके से स्टेज डिफाइन किया हुआ है डेविस ने जो स्टेज डिफाइन किया हुआ है वो हम सही नहीं कह सकते हैं अच्छा एक चीज़ यहां पर और भी आप ये देख सकते हैं कि डेविस ने जो मॉडल दिया था वो एक तरीके से काफ़ी रिडंडेंट मॉडल आप बोल सकते हैं वाइट इस रिडंडेंसी क्यों रिडंडेंट है इन्होंने कहा कि देखिए रिवर जो होगी उसमें यूथ एज रहेगा मैच्योर रहेगा और साथ ही साथ में इसमें ओल्ड एज आएगी लेकिन व्हाट इफ रिवर वापस से अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर ले यानी कि रीजुविनेशन ऑफ अगर रिवर्स हो जाती है तो अब तो जो मैच्योर था हो सकता है कि वो वापस से यूथ में बदल जाए या जो ओल्ड है वापस से ये यूथ में बदल जाए एंड न्यू यूथ न्यू मैच्योर न्यू ओल्ड ये भी आ सकता है तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया था इस डेविस के द्वारा हालांकि पिंक ने इसको टेक केयर किया पिंक ने इसको बोला कि हाँ दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट कैन हैपन क्लियर ओके तो दस इन द प्लेस ऑफ यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज इन्होंने क्या यूज किया इन्होंने अपना जर्मन टर्म यूज किया और इस जर्मन टर्म को याद रखिएगा आप लोग क्योंकि डायरेक्टली इस पर नोट लिखने को आ सकता है और जनरली स्किप कर दिया जाता है लोगों के द्वारा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा ऑफ स्टेंग एंड विलंग जिसको कि वैक्सिंग फेज भी बोला जाता है या इसे बोला जाता है एक्सलोरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट दूसरा जो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट दिस इज ग्लीश फॉर्मिंग एंड विकलेंग ठीक है फिर इसके अलावा एबस्टेंग एंड विकलैंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेनिंग या फिर डेक्सलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट तो ये बेसिकली तीन फेज यहाँ पर इन्होंने किया है ये स्टेज नहीं है ये ध्यान में रखिएगा दिस इज नॉट अ स्टेज दिस इज एक्चुअली अ फेज अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेज और फेज में आखिर अंतर क्या होता है देखिए कॉन्सेप्ट वाइज दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता है बोथ आर रिप्रेजेंटिंग काइंड ऑफ द सेम थिंग गाएं लेकिन स्टेज जो होती है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है मतलब ये टाइम फंक्शन होती है जबकि फेज़ जो होती है वो एक पीरियड फंक्शन होता है दिस इज़ पीरियड फंक्शन ये थोड़ा में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा टाइम का मतलब कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ स्टेज विल डेवलप मतलब कुछ समय के बाद में इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाएगा लेकिन पीरियड का मतलब होता है एक समय तक ये चलेगा और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंज हमें देखने को मिल जाए यानी इट विल टेक अ ड्यूरेशन यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगी या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पीरियड रहेगी लेकिन यहाँ पर क्या है देयर विल बी अ सिंगल टाइम टाइम अप्रोच है यहाँ पर ठीक है दोनों में आई गेस दोनों में आप लोग को कुछ डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि आखिर में क्या चीज़ है आगे अगर देखें तो पैंक यूज प्राइमा रंफ वन सेकेंड लेट मी इरेज इट यस तो पेंक ने जो यूज किया था प्राइमा रंफ और एंड रंफ और ये बेसिकली बताया था इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लैंडस्केप बिफोर अपलिफ्टमेंट यानी कि इन्होंने बताया दो चीज़ें देखिए दो चीजें हैं यहां पर एक बार तो क्या होगा अपलिफ्टमेंट होगी दिस विल अपलिफ्ट अपलिफ्टमेंट होगी फिर उसके बाद से यहां पर क्या होगा कि जो भी एंडोजेनेटिक फोर्सेज या एग्जोजेनेटिक फोर्सेज काम कर रहे हैं वो काम करेंगे और अल्टीमेटली एक जो इसकी फाइनल स्टेज आ जाएगी फाइनल या फिर क्लाइमेक्स स्टेज जिसको बोलते हैं वो आ जाएगी यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल प्लेन कॉन्वेक्सो कॉन्केव जो स्लोप आती है वो बेसिकली आ जाएगी तो दिस विल बी द मोनाइड नॉक यू कैन से जैसे कि डेविस ने बोला हुआ था तो ये इस दप, अग, जो अपलिफ्टमेंट है उससे पहले जो प्राइमरी प्राइमरी या फिर आप बोल दीजिए कि जो पाइनियर एलिमेंट है वो कौन सा है पाइनियर एलिमेंट जो है उसको बोला रहा है प्राइमा ंफ दिस इज अगेन अ जर्मन टर्म ठीक है ये प्राइमर रंफ है या बोल सकते हैं आप इसे कि ये पाइनियर यहां पर पाइनियर जगह पे आप बोल देंगे कि लैंड ठीक है सेम वैसे ही क्या होगा कि यहां पर अपने फाइनल स्टेज में जब ये अपने फाइनल मतलब कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस बनाएगा दिस विल बी अ प्लेन सरफेस उस समय इसको बोला जाता है एंड रंफ दिस इज एंड रंफ ठीक है तो ये इसकी एक तरीके से क्लाइमैक्स स्टेज आप बोल सकते हैं या क्लाइमैक्स फेज बोल सकते हैं इस पैंक के स्टाइल में ठीक है तो प्राइमर रंफ इज इन फैक्ट इनिशियल सरफेस और प्राइमरी पेनी प्लेन रिप्रेजेंटिंग न्यूली इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम बिलो सी लेवल और फास्ट एंड बेन और पेनी प्लेन टाइप ऑफ लैंड सरफेस कन्वर्टेड इन फीचरलेस मांड फीचरलेस लैंड मास बाई अपलिफ्ट तो ये आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी हो क्या चीजें हैं इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अगेंस्ट दिस डब्ल्यू एम डेविस जो लैंडस्केप जैसे कि स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम का फंक्शन होता है पेंक ने बोला कि नहीं जियोमॉर्फिक फॉर्म्स आर एन एक्सपेंशन ऑफ फेज एंड रेट ऑफ अपलिफ्ट इन रिलेशन टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन तो इन्होंने बेसिकली जो अपने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में बोला उन्होंने कहा कि देखिए लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एक तरीके से जियोमॉर्फिक फॉर्म है मतलब कि दिस इज आवर लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म डेवलपमेंट अगर हो रही है तो ये एक बेसिकली क्या है दिस इज बेसिकली जियोमॉर्फिक साइकिल या जियोमॉर्फिक प्रोसेस जहां पर ये एक फंक्शन होगा फेज मतलब कि एक फेज मैनर में हो रही है दिस इज अ फेज्ड मैनर और ये फेज्ड मैनर का मतलब क्या है फेज मैनर का मतलब यह है कि यहां पर अपलिफ्ट और डिग्रेडेशन दोनों ही चीजें हो रही होंगी दिस इज अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन दोनों साथ साथ में ही चीज़ें हो रही हैं डिग्रेडेशन ठीक है तो एक तरीके से दोनों ही प्रोसेस हो रही है और ये पूरी की पूरी थ्योरी दी गई थी हमारे स्पिंक साहब के द्वारा तो जहाँ पर इन्होंने एक काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट एक तरीके से प्रजेंट किया था डेविस ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर कर दिया गया था हमारे स्पिंक के द्वारा हालांकि दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स दिस इज़ कॉम्प्लेक्स ओनली इन द सेंटेंस लेकिन अगर जब हम लोग इसको अभी प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे तो आपको लगेगा दिस इज द मोर क्लियर एंड मोर जिनविन टाइप ऑफ मॉडल तो आगे अगर बात करें तो इट इज एज्यूम्ड दैट इंटरक्शन बिटवीन द टू फैक्टर यानी कि जो अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन का जो टू फैक्टर है और इनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है दिस इज वेरी कंटिन्यूअस जो कि डेविस ने नहीं बोला था डेविस ने इसे बोला था का मतलब कि पहले अपलिफ्टमेंट होगी एंड देन ओनली इरोजन कैन हैपन लेकिन एक्चुअल में क्या होती है दोनों साथ साथ में चलती है और दोनों साथ साथ वाली चीज जो होती है वो यही है कंटिन्यूस ठीक है तो लैंड फॉर्म ऑब्जर्व इट एनी गिव एक्सप्रेशन टू द रिलेशन बिटवीन द टू फैक्टर्स एक है जिसे अपलिफ्टमेंट दूसरी डिग्रेडेशन दैट हैज बीन और इज इन इफेक्ट एंड नॉट स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो यह सिस्टम बोला गया था द लैंडस्केप डेवलपमेंट वी मे सी द साइकिल ऑफ ए रोजन बिगिनस विद द प्लिफ्टमेंट ऑफ प्राइमारम्भ मतलब कि शुरुआती टाइम में जो पाइनियर एस्पीसी है वो है आपकी प्राइमारम्भ दिस इज पाइनियर एस्पीसी दिस इज प्राइनियर एस पी सी यू कैन से ठीक है जो कि इनिशियल लैंडस्केप है

एंड सेकेंड इज मान लेते हैं कि इरोजन अब ऐसा तो है नहीं कि अपलिफ्टमेंट हर समय हाई रहेगा मान लेते हैं कि एक समय हाई है एक समय ये लो है दूसरा अब देखिए दोनों एट द सेम टाइम हाई नहीं हो सकते हैं बिकॉज अगर मान लीजिए जा अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगी और जब अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी तभी जा करके इरोजन ज़्यादा हो सकती है बिकॉज देखिए मान लेते हैं रिवर, ये हैं रिवर ही है रिवर यह मान लेते हैं हम तो रिवर के पास जब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी अपने काइनेटिक एनर्जी में वो कैसे क्रिएट करेगा कहाँ से आएगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि एनर्जी हमारे इस संसार में ना तो पैदा होती है और ना ही ये ख़त्म होती है डिस्ट्रॉय होती है थे the थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल ये है हमारे थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल तो ना तो एनर्जी कभी वेस्ट होती है मतलब ख़त्म होती है और ना ही ये कभी ये डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर निकल रही है तो ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल ये बोल रहा है तो अब जब तक इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिल जाएगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इसको कनेटिक एनर्जी मिलेगी या फिर इसी को आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा पूरे तरीके से इरोजन कैसे स्टार्ट हो सकती है लेकिन ये डेविस का मॉडल नहीं है डेविस के मॉडल ने यह कहा था कि अपलिफ्टमेंट हंड्रेड देन इरोजन जीरो दिस इज नॉट द थिंग हियर ठीक है अगर मान लेते हैं अपलिफ्टमेंट ट्वेंटी है देन इरोजन टू होगा ठीक है अगर मान लेते हैं अपलिफ्टमेंट थर्टी है तो यहां पर भी इरोजन फाइव होगा तो देयर विल बी इरोजन देयर विल ऑलवेज बी इरोजन डजन मैटर वॉट इज द हैपनिंग विद द अपलिफ्टमेंट और नॉट इरोजन विल बी देयर बट ये है कि हां दिस इज अ फंक्शन ऑफ अपलिफ्टमेंट ये अपलिफ्टमेंट के फंक्शन में है अपलिफ्टमेंट अगर ज्यादा होगी देन इरोजन विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड देन पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इन टू एनर्जी एंड दिस कन्वर्जन विल अल्टीमेटली लीड टू गिव मोर फोर्स फॉर द इरोजन गेटिंग द पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर ओके okay. अब यहां पर अपलिफ्टमेंट जब हाई हो जाएगी तो एक समय के बाद क्या होगा ये नीचे गिरना डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और डिक्रीज करने के बाद एक समय आएगा कि अब ये लो हो जाएगा लेकिन इसके डिक्रीज करने के कारण इरोजन क्या इरोजन क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा और एक समय आएगा जब ये काफी हाई हो जाएगा तो बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मॉडरेट होगा और यहां पर भी मॉडरेट होगी तो इस तरीके से अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन और फंक्शनिंग विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडिंग विद ईच अदर ठीक है तो ये सिस्टम हो जाएगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर में पिंक ने क्या बोला है इन द बिगनिंग ऑफ अ अफलेफ्ट इज करेक्टराइज बाई एक्सीडिंगली स्लो अपहीवल ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ये वही चीज़ है इरोजन जो है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस में हो रही है उसके पीछे कारण यही है कि पोटेंशियल एनर्जी अभी प्रॉपरली गेन नहीं हुआ है कि ये काइनेटिक एनर्जी को जन्म दे सके एंड देर आफ्टर द रेट ऑफ अपलिफ्ट इज एक्सलरेटेड तो अपलिफ्ट में क्या होगी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी गेन होते जाएगी एंड अल्टीमेटली डि स्टॉप आफ्टर फासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट फेज ऑफ यूनिफॉर्म एंड डिक्सलरेटिंग रेट ऑफ अफ ही क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगी सो यू कैन सी की द इनिशियल अपलिफ्ट बिगिन विद रीजनल अप डूमिंग एंड लैंड फॉर्म वलपमेंट पासेस थ्रू द फॉलोइंग थ्री फेजेस तो इसको तीन फेज में बेसिकली डिवाइड किया गया है दिस इज द फिगर ईयर यू कैन सी अभी इसको हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन जस्ट फॉर प्राइमरी प्राइमा फेसी अगर uh, हम लोग देखें तो इनिशियल अपलिफ्ट का मतलब क्या है देअर विल भी पहले एक प्राइमा रंफ ये एक प्राइमारंफ रहेगा जो कि एक तरीके से फ्लैट फीचरलेस सर्फेस होगा दिस इज फ्लैट फीचरलेस सर्फेस अब यहाँ पर अपलिफ्टमेंट वाली फोर्सेज और इरोजन वाली फोर्सेज लगना शुरू हो जाएंगी देन इस तरीके से ये अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में इरोजन भी स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से ये इरोजन स्टार्ट हो गए हैं क्लियर आगे एक समय के बाद क्या होगा अपलिफ्टमेंट बंद हो जाएगी यानी कि अभी अगर बात करें तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज़ कर रही है इनफैक्ट द रिलेटिव हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग राइट नाउ बट आफ्टर अचीवमेंट ऑफ सर्टेन पॉइंट सर्टेन हाइट एक हाइट अचीव करने के बाद अब यहाँ पर अपलिफ्टमेंट अपने लो स्टेज में आ जाएगी कम होते जाएगी और इरोजन बढ़ते आएगा और इस तरीके से हमारे पास तीन फेजेस डेवलप हो जाएंगे एक फेज जिसको बोलते हैं ऑफ स्टिंग एंड विकहेंग या जिसे वैक्सिंग फेज बोलते हैं ग्लिक फॉर्मिंग एंड विकलैंग जिसको कि कांस्टेंट फेज बोलते हैं एंड लास्टली एप्सटिंग एंड विकलेंग जिसको हम वेनिंग फेज बोलते हैं दिज ऑल थिंग्स आर जर्मन टर्म जर्मन टर्म है लेकिन याद रखिएगा अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन डायरेक्ट मे डायरेक्टली कम फ्रॉम हियर तो एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है जहाँ पर आप देखेंगे और अगर आप इसको गोत्रू नहीं किए रहेंगे तो यू विल बी लाइक वॉट इज दिस सो आई हैव नॉट स्टडी इन एनी वी आर दिस तो ये मत ये ऐसा होना नहीं चाहिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा तो दिस इज द फिगर जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीन फेजेस हैं दिस इज द फेज नंबर वन दिस इज फेज नंबर टू दिस इज फेज नंबर थ्री यहां पर देखें तो देखिए स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एक प्राइमर है जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं दिस दिस इज इज इनिशियल फ्लैट फीचरलेस फीचरलेस सरफेस सरफेस या इसी को आप बोल सकते हैं कि दिस इज पाइनियर इस इन द टर्म ऑफ व्हाट इन द टर्म ऑफ दिस एनवायरमेंटल टर्म ठीक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टर्म में इसको कह सकते हैं अब इसके बाद से आ जाएगी इसकी जो फेज नंबर वन है जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज वैक्सिंग फेज इस वैक्सिंग फेज में क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट हो रही है एट द सेम टाइम इरोजन इज ऑल्सो हैपनिंग बट दिस इरोजन इज ऑब्वियसली लेस देन एंड लेस फंक्शनिंग देन द अपलिफ्टमेंट प्रोसेस तो जो अपलिफ्टमेंट है जो हाइट की अचीवमेंट है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू द जो वैक्सिंग टूड़ना मतलब कि एक तरीके से इरोजन तो यहां पर क्या है एप्सोल्यूट हाइट भी बढ़ रही है तो यहां पर आप हाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ द एप्सोल्यूट हाइट ये क्या है इंक्रीज हो रही है और उसी तरीके से जो रिलेटिव हाइट है वो भी क्या है इंक्रीज़ हो रही है दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ठीक है अब इसके बाद से क्या होगा अपलिफ्टमेंट के बाद ये प्रोसेस अब धीरे धीरे कम होते जाएगी लेकिन अब जो हमारी इरोज़न है वो बढ़ते जाएगी तो दिस इज़ द थिंग ईयर एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ये सरफेस इरोजन भी धीरे धीरे घटता जाएगा और जो आपकी जो अपलिफ्टमेंट है वो तो गिरते ही जा रही है तो इस तरीके से यहां पर ये वी शेप वैली या फिर कह लीजिए कि जो भी हमारा ये लैंडफॉर्म है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा यहां पर फिर से एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस मिल जाएगा जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एंड रम्फ दिस इज अगेन अ जर्मन टर्म एंड रम्फ यू कैन सी हियर और ये बेसिकली बीच में एक बॉस्चेंग या फिर हेल्डन हैंग यानी कि जो ये कॉन्वेक्सो कॉन्फे सरफेस है वो बना लेगा इसी को बल्कि इंसेल बर्ग्स भी बोलते हैं इंसेल बर्ग्स ठीक है इंसेल बर्ग बोला गया था हमारे इस पिंक के द्वारा तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग आगे अगर देखें तो देखिए तो ये वो बेसिकली तीनों फेज है जहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है हमारी वैक्सिंग फेज इस वैक्सिंग फेज में क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट बहुत ही रैपिड हो रहा है बहुत ही तेजी से हो रहा है एंड एट वेरिंग स्पीड अलग अलग स्पीड से चल रही है कई जगहों पर जो है अपलिफ्टमेंट जो है काफी तेजी से हो रहा है कई जगहों पर थोड़ा सा रिलेटिवली कम है लेकिन अपलिफ्टमेंट इज गोइंग ऑन अपलिफ्टमेंट जो है वो ज्यादा है और अपलिफ्टमेंट किससे ज्यादा है अपलिफ्टमेंट रेट ऑफ इरोजन से ज्यादा है क्लियर तो इसे क्या होगा जो समिटल इरोजन होगा वो रिलेटिवली लेस होगा एज कंपेयर टू वैली डीपनिंग क्योंकि यहां पर अपलिफ्टमेंट ज्यादा है तो डीपनिंग वाली जो केस है वो रिलेटिवली कम रहेगी यहाँ से जो नेट एब्सोल्यूट हाइट है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा साथ ही साथ में जो रिलेटिव हाइट है इसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा क्लियर अब नेक्स्ट आती है हमारी फेज ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ इस फेज ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ में बेसिकली अगेन तीन फेजेज होंगे सब फेज यू कैन से दिस इज सब फेज नंबर वन सब फेज नंबर टू सब फेज नंबर थ्री यहां पर क्या होगा यहां पर अपलिफ्टमेंट इस फेज में भी अपलिफ्टमेंट जो होती है वो ग्रेटर देन इरोजन है अब यहां पर क्या है अपलिफ्टमेंट जो है वो इरोजन के पैरिटी में आ गई है और जो है और लास्टली जो अपलिफ्टमेंट अब इरोजन से कम हो गई है तो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो लाइक यहां पर देखिए ए बी सी ये तीन फेजेज है यहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि यहां अभी तक जो है इरोजन दिस इज इरोजन लाइन एंड दिस इज अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट का स्लोप अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है इरोजन के स्लोप से यानी कि अपलिफ्टमेंट इज मोर देन दिस इज अपलिफ्टमेंट मोर देन इरोजन यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज पैरल तो पैरल का मतलब दोनों का स्लोप बराबर है यानी अपलिफ्टमेंट इज बी में अपलिफ्टमेंट इज इन पैरटिव विथ दिस इरोजन लेकिन यहां पर क्या है कि ये नीचे चला गया एंड दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड लेकिन इसका जो स्लोप है रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपलिफ्टमेंट यानी कि अपलिफ्टमेंट कम है एज कम्पेयर टू द इरोजन तो इस तरीके से यहाँ पर तीन फेजेस बन गए हैं और ये तीन फेजेस में क्या डेवलपमेंट हो रही है वो आपको दिख गया है क्लियर तो हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पर द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ में अगर देखें रेट ऑफ द इरोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ वैली डीपनिंग एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट मे वैरी वेयर द पॉसिबिलिटीज कैन बी अपलिफ्टमेंट मोर देन इरोजन सेम एज इरोजन एंड लेस देन इरोजन यही वो बेसिकली तीन सब फेजेज हैं क्लियर यही वो तीन सब फेजेस हैं आगे देखें तो वेनिंग फेज आ जाती है वेनिंग फेज में क्या होगा कि ओके okay. पे एक चीज और है रिलेटिव हाइट जो होती है इसकी कांस्टेंट बनी रहेगी जबकि जो एब्सोल्यूट हाइट है वो वेरी कर सकती है और इनफैक्ट इट विल बी जनरली डिक्रीजिंग ठीक है जनरली वर्ड यहां पर आप माइंड करिएगा नेक्स्ट थिंग है वेनिंग फेज विनिंग का मतलब यह है कि आप लिफ्टमेंट अब यहां पर गिर गई है स्लो डाउन हो गई है लेकिन जो रेट ऑफ इरोजन है वो ज्यादा हो गया है और अपलिफ्टमेंट अब लेस देन रेट ऑफ इरोजन हो गई है यानी कि ओवरऑल अब यहां पर क्या है डिक्रीजिंग नेचर ऑफ हाइट देखने को मिलेगा बोथ द एब्सोल्यूट हाइट एज वेल एज द रिलेटिव हाइट तो यही चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों ही क्या है डिक्रीज कर रहे हैं और वैली जो है अब फ्लैटन होना शुरू हो जाएगी आफ्टर गोइंग इन टू नेक्स्ट फेज अब यहां से क्या है कि जो समिटल इरोजन है वो मोर देन वैली डीपनिंग हो जाएगी तो इस तरीके से इरोजन प्रोसेस ज्यादा हो रही है फिगर में भी आप देख सकते हैं आगे अगर पढ़ेंगे हम लोग इस कांस्टेंट ग्रोथ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट है वो गिरते है आ रही है एंड इरोजन इज आल्सो गोइंग डाउनवर्ड लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस बन जाएगा जहाँ पर एंड बोलेंगे और इससे पहले ये हेल्ड हैंग एंड बॉसचंग या फिर इन ये बन जाएगा जिसे कि पेंक ने डिस्क्राइब किया था क्लियर पेंकी की में क्या डिफरेंट है और हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिविजियन थ्योरी ये क्लियर हो गया होगा आपको इसके अलावा अगर देख लेते हैं तो एक और फोटोग्राफ आप बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन सेकेंड जस्ट लाइक दिस यहां पर आप इन तीन फिगर को दिखा सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस एंड यहां पर आप बना दीजिएगा कि ये आपकी प्राइमा रम्फ है दिस इज प्राइमा रम्फ फिर यहां पर आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये अपलिफ्टमेंट और इरोजन हो रही है दिस इज अपलिफ्टमेंट एंड दिस इज इरोजन क्लियर यहां पर आप दिखा सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इरोजन एंड मच ग्रेटर देन मच मोर ग्रेटर देन। ठीक है दिस इज द वैक्सिंग फेज ये है वैक्सिंग फेज फिर इसके बाद यह है क्या है आप कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखाएंगे दिस इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ ठीक है अब यहाँ पर आप यू कैन ऑल्सो डिवाइड इन थ्री सब पार्ट्स अगेन यहाँ पर क्या होगा कि दिस विल बी लाइक दिस एंड सपोज दिस इज़ द स्लोप तो दिस इज द पैरल थिंग तो यहाँ पर ये यह कुछ इस तरीके से है ठीक है फिर इसके बाद से ये यह यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा एंड दिस दिस विल गो डाउन एंड दिस विल ऑल्सो बी लाइक दिस दिस इज ऑल्सो गोइंग डाउन बट इट इज़ इन द रिलेटिवली लेसर मोड अल्टीमेटली क्या होगा ये नीचे चला जाएगा एंड दिस विल आल्सो गो डाउन और अल्टीमेटली ये इस तरीके से इनका फाइनल शेप बन जाएगा तो ये हमारी एक तरीके से ये लैंडफॉर्म बन गई है ठीक है जहाँ पर तीनों सब फेजेस के बारे में और इस तरीके से हमारी दिस इज़ एंड रम्फ ठीक है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट मोर देन इरोजन अपलिफ्टमेंट इन पैरिटी विद द इरोजन अपलिफ्टमेंट इज लेस देन इरोजन तो ये हमारी जो फेज़ है ये जो हमारी फेज़ है बेसिकली इसे हम लोग बोल रहे हैं फेज ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ ये जो हमारी फेज है इसको हम लोग बोल रहे हैं फेज ऑफ वैक्सिंग फेज बचा हुआ जो हमारा फेज है ये इसे हम लोग बोल रहे हैं फेज ऑफ वॉट वेनिंग फेज दिस इज वेनिंग फेज ठीक है और ये हमारा जो फ्लैट फीचरलेस सरफेस है या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव सरफेस या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेनी प्लेन ठीक है तो ये सारा का सारा सरफेस ये सारा का सारा सिस्टम यू कैन ड्रॉ इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर इन योर आंसर ठीक है इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग और फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा नाउ वैली स्लोप अब जो वैली स्लोप स्लाइड है दिस दिस विल कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट जो अपर मोस्ट सेगमेंट है जहां पर स्टीप एंगल बन रहा है यानी कि एंड्रम फाने से जस्ट पहले जो स्टीप एंगल बन रहा है uh, इस तरीके से हाइट है इसके हाइट होने के बावजूद भी यहां पर क्या है कि अब लोअरिंग हो रही है इसमें लोअरिंग हो रही है एंड दे स्लोप इसको स्लोप को बोलते हैं हम लोग बॉस्चंग बॉस्चंग बोलते हैं या इसी को बोलते हैं ग्रेविटी स्लोप ये ध्यान में रखिएगा ग्रेविटी स्लोप पर भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है और जो वैली साइड होती है मतलब कि ये हमारी हो गई बॉस्चंग ठीक है और नीचे जो हो गई इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज हेल्डन हैंग दिस इज़ हेल्डन हैंग ठीक है ये जो वैली फ्लोर है तो यही चीज़ हेल्डन हैंग हो गई तो हेल्डन हैंग जो होती है बेसिकली ये कंपोज होती है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है टेलस मटेरियल का बना होता है ऑफ द लोअर इंक्लीनेशन एंड इज़ फॉर्मड एट द बेस ऑफ द वैली साइड ड्यू टू पैरल रिट्रीट ऑफ ग्रेविटी स्लोप अब इसका मतलब क्या चीज़ है जो हम लोग ये पैरल स्लोप का मतलब क्या चीज़ कह रहे हैं हालांकि देखिए इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम लोग स्लोप थ्योरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे बट यहां पर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आखिर में इसका मतलब क्या है देखिए सपोज दिस इज द अपलिफ्टेड पोर्शन ठीक है अब सीधी सी बात है फ्लैट तो होगा नहीं कुछ इस तरीके से होगा ठीक है अब यहां पर पैरल होगा तो अब इरोजन स्टार्ट हो गई है सपोज बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द रिवर मान लेते हैं कि इस तरीके से वी शेप बन गया है ठीक है यहां पर भी मान लेते हैं वी शेप बन गया है एंड हीयर दिस समथिंग लाइक दिस ठीक है अब क्या होगा पैरल रिट्रीट होती है पैरल रिट्रीट का मतलब इन्होंने बोला था कि देखिए ये जो स्लोप है दिस इज कर्वी इन नेचर बट इफ वी डिवाइड इन इन सब पार्ट अगर इसको हम लोग बहुत ही सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये जो कर्व है बेसिकली वो क्या स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगा दिस इज स्ट्रेट लाइन दिस इज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हर एक स्ट्रेट लाइन विल ट्राई टू रिपीट इट सेल्फ पैरल अब ये पैरल रिट्रीट करेगा तो पैरल रिट्रीट जरा मैं करा देता हूँ दिस इज पैरल रिट्रीट ठीक है पैरल रिट्रीट लेट मी टेक सम अदर कलर ऑफ द पेन यस तो अब ये पैरल रिट्रीट स्टार्ट हो गया है ठीक है तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस इन योर एग्जाम तो ये पैरल रिट्रीट स्टार्ट हो गई है।, है? तो है एक समय के बाद क्या होगा कि पैरल रिट्रीट में भी आपको देखने को मिलेगा एरिया काफ़ी कम होते गया है अभी क्या होगा दिस विल गो डाउन लाइक दिस अब इसके बाद से कलर और चेंज कर लेते हैं ताकि और बेटर क्लैरिटी आपको दिखेगी वट वट वी टेक ओके नाउ दिस विल बी लाइक दिस नाउ दिस विल बी लाइक दिस एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ फ्लैट फीचरलेस प्लेन दिस इज फ्लैट फीचरलेस प्लेन ठीक है तो ये बेसिकली हमें जो जस्ट इस फ्लैट फीचरलेस प्लेन के ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है यहां पर क्या है दिस इज समिट एंड दिस इज वैली तो ये जो समिटल एंड वैली फ्लोर है इसी में जो ये टॉप पोर्शन है इस टॉप पोर्शन को बोला जा रहा है बॉसचेंग और ये जो वैली फ्लोर है जो ये डाउन पोर्शन है इसको बोला जा रहा है हेल्डन हैंग समझ में आ गया तो दिस इज बेसिकली हेल्डन हैंग एंड दिस इज बॉस चिंग जेन ठीक है तो ये हालांकि हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्लोप थ्योरी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कई लोग के बारे में बात करेंगे डेविस के बारे में फिर पिंग के बारे में फिर हम लोग एलसी किंग के बारे में और फिर लास्टली एक और साहब है जिनका नाम है वुड वुड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो फटाफट आगे जरा बढ़ते हैं और पिंक की थ्योरी को खत्म करते हैं आई गेस इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा तो जो डिवाइड है डिवाइड समिट और कंटिन्यूसली लोअर्ड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ द रिट्रीटिंग जो रिट्रीट हो रही है मतलब जो पैरली अभी हम लोगों ने स्लोप डेवलप किया हुआ है जो लाइन बनाई थी उसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग बॉल्स चेंग ऑफ द एडजॉइनिंग वैली एंड दस इंटरसेक्शन अब जब ये हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था ना अब क्या होगा एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा फ्लैट फीचरलेस हो जाएगा जहां पर एंड चिंग एंड दे विल प्रोड्यूस शार्प शार्पनिक यानी ब्रेक इन स्लोप एंड देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि आ एक आपका फ्लैट फीचरलेस सरफेस में बदल जाएगा और उससे जस्ट पहले यही बातें की जा रही हैं कि जो एंड हैंग या फिर जो वॉश स्लोप है दिस विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड एट द कॉस्ट ऑफ अपर ग्रेविटी स्लोप इन द एडवांस स्टेज ऑफ फेज ऑफ एपस्टिंग एंड विकिंग मतलब कि जो वेनिंग फेज है ग्रेविटी स्लोप या बॉस्चन ये ये रिड्यूस हो जाएगा और अपने एक स्टीप साइडेड कोनिकल स्लोप यानी कि बर्ग में बदल जाएगा तो इसी को बस बेसिकली बर्ग बोला जा रहा है यहाँ पर ये टॉप पॉइंट बॉस्चन स्लोप पॉइंट हेल्डन हैंग एंड दिस सल्फेस इज कॉल्ड एज बर्ग जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था तो इवेंचुअली दिस इंसेलबर्ग और ऑल्सो बिंग कंज्यूम्ड एंड ज होल पूरा जो ये लेंग, जो लैंडस्केप है ये एक कॉनकेव वॉश स्लोप या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव सरफेस में बदल जाएगा जिसे हम एंड्रम्फ बोल रहे हैं या जिसे डेविस का पेनी प्लेन भी कहा गया था क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लेंगस थ्यूरी अब जरा देख लेते हैं इनकी इवेल्यूएशन कि आखिर में पेंक की थ्योरी कितनी सही कितनी गलत या क्या कुछ है तो जो पेंक का मॉडल था लैंडस्केप डेवलपमेंट का शुरुआती दिनों में तो ये मतलब इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका क्योंकि ये जो है जर्मन लैंग्वेज में लिखी थी और बाद में जब इसका इंटरप्रटेशन किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसको रॉन्गली मिस इंटरप्रेट किया गया था अब इस रॉन्गली मिस इंटरप्रेट करने के कारण से यू में इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से मतलब कि जो इंटरप्रटेशन किया था वो ठीक तरीके से नहीं कर पाए थे जो भी ट्रांसलेशन की गई थी लेकिन बाद में इसको जर्मनी में भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा नॉट बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी बट बिकॉज ही टॉक्ट अबाउट अगेंस्ट द नेचर तो इस वजह से इनका uh, कह लीजिए कि uh, थोड़ा सा uh, दिक्कत हो गया था इनको नेक्स्ट आगे इन्होंने बात किया कि जो पेंक दिस इज नॉट एक्चुअली द क्रिटिसिज्म ड्यू टू हिज एक्सप्लेनेशन दिस इज ड्यू टू द ट्रांसलेशन ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दूसरा जो इनका क्रिटिसिज्म uh, किया जाता है वो ये कहा जाता है कि पेंक का जो कंसेप्ट ऑफ पैरल रिट्रीट है एंड कंटिन्यूड क्रिस्टल मूवमेंट बिकेम द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट फॉर अटैक बाय द अमेरिकन जोग्राफर्स उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है हाउ विल इट गो क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल एजेंट है वो तो यूनिफॉर्म है नहीं और हर जगह कॉन्स्टेंट भी नहीं है तो ये जो पैरल रिट्रीट की कहानी है दिस इज़ दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजल एंड ये ठीक नहीं है तो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट अर्लियर ट्रांसलेशन ऑफ पेंकस वर्क इन इंग्लिश रिवील दैट पेंक बिलीव्ड इन पैरल रिट्रीट ऑफ स्लोप बट सब सिक्वेंट ट्रांसलेशन शोड दैट पेंक बिलीवड इन स्लोप रिप्लेसमेंट जहाँ पर जो ईच अपर स्लोप है हिल स्लोप का वो uh, कंटिन्यूसली उसे जो होता है रिपीट किया जा रहा है जैसा कि हम लोगों ने अभी फोटो में दिखा था तो एक्सटर्नल इजेंट के बारे में इस चीज़ के बारे में आ गई थी बातें आगे देखेंगे तो इट मे बी दस फॉरवर्डेड दैट मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ पेंक मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम केम आउट ऑफ फॉल्टी इंटरप्रिटेशन मतलब इनकी थ्योरी में क्या था क्या नहीं था दैट इज द डिफरेंट थिंग लेकिन ट्रांसलेशन गलत कर दिया गया था जिसके कारण से इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गई थी और इस क्रिटिसिज्म के बाद अल्टीमेटली जो होता है हालांकि जब इसको uh, मतलब रेफर किया गया ठीक तरीके से देन द जोग्राफर है फाउंड दैट जो पेंक है इन्होंने बातें ठीक की हुई हैं सम ऑफ द अमेरिकन क्रिटिक्स स्टूड अप स्टॉप्ड डाउन टू सच एन एक्सटेंड दैट दे रिमार्क दैट हिज पीकुलियर नोशन ओ टू द इनकम्प्लीट रिकवरी फ्रॉम ए हेड वाउंड सफर्ड इन वर्ल्ड वॉर वन अब ये जर्मन है वर्ल्ड वॉर वन में बेचारे जर्मनी वालों की हार हो ही गई थी उसी कारण से इनको भी इक्वली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दिया गया था जैस लाइक आप ये देख सकते हैं पंचायती राज सिचुएशन में अशोक मेहता कमेटी थी अशोक मेहता की कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो मोरलेस आज की डेट से मैचिंग है लेकिन उस समय राजीव गांधी गवर्नमेंट फॉल डाउन हो गई थी जिसके कारण से उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी तरीके से नहीं इनफैक्ट उनकी थ्योरी उनकी रिकमेंडेशन को ठीक से कंसीडर ही नहीं किया गया जिसके कारण से अगेन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैपेंड एंड द सेम थिंग अगेन यहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर है जहाँ पर पार्टी गिर गई है जिसके कारण से आ, आ, इनकी थ्योरी भी जो होती है उतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं कि किया गया इस कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड अपलिफ्टमेंट एंड टेक्टोनिक स्पेकुलेशन कुड नॉट फाउंड एनी सपोर्ट बट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट एंड वेदरिंग अल्टीमेटली इसको जो है आ, आगे भी यूज़ किया गया एल सी किंग एंड ऑल दैट बाकी आगे हम लोग बात करेंगे उनके बारे में तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पेंक थ्योरी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दीज टू आर वेरी बेसिक क्वेश्चन इसको भी आप गो थ्रू करके देख सकते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग देखेंगे स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी जिसमें हम लोग डेविस पेंक एलसी किंग और वुड के बारे में बात करेंगे तो दिस इज ऑल दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज़ लेक्चर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं एंड ई मेल करके अपने डाउट को पूछिएगा दैट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच